हेलो प्यारे बच्चों, सो हम लोगों का चल रहा है मोशन चैप्टर। और मोशन चैप्टर में हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखा था थ्री इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। ठीक है, तो थ्री इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हमने वो जो तीन इक्वेशंस देखे थे बेटे, कौन कौन से थे? हमने देखा भाई, फर्स्ट इक्वेशन था वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, देन सेकेंड था एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन था वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, ये तीनों ही इक्वेशन कब आप लगा सकते हैं बेटे? कब लगा सकते हैं ये तीनों इक्वेशन? जब आपका एक मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जब मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करता हूँ, इसका मतलब ए क्या रहना चाहिए? कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, जब आपका ए कॉन्स्टेंट रहेगा देन ओनली यू कैन यूज दीज इक्वेशंस। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ए कॉन्स्टेंट क्या होता है भाई? तो लाइक ए अगर मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, थ्रू आउट द मोशन इसकी जो वैल्यू है ना वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहनी चाहिए, ये बदलनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। और तब हम ये तीन इक्वेशन लगा सकते हैं। अब इन तीनों इक्वेशन में ये जो सारी चीज़ें हैं वो कौन कौन सी थी? यू क्या चीज़ था? तो बेटे आपको पता है, मैंने बताया है, ये इनिशियल वेलोसिटी है ना। और डी क्या है? डी है हमारा फाइनल वेलोसिटी। देन एस क्या है बेटा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। एंड देन बी क्या है? सॉरी, ए क्या है? एक्सेलरेशन है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है ना, जो हमें कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन लेना है वो है ये। और टी क्या है बेटा? टाइम है। ठीक है, तो ये क्वांटिटीज हमने यहाँ पर यूज़ करा है। ठीक, ओके। तो ये जो बेसिक चीज़ें थी, ये जो फॉर्मूले थे, कहाँ से आए, कैसे आए, इसका डेरिवेशन वगैरह, ये सारा पार्ट हमने अपने लास्ट लेक्चर में फिनिश कर लिया था। अब हम क्या देखेंगे कि इसका यूज़ कैसे है, इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक, तो बेटे जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, इसी क्वेश्चंस बनाओगे ना, तो अक्सर आपको क्वेश्चन में दो तरह के सेंटेंसेस दिखेंगे। ठीक है, जिससे आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिलता है, उन इन्फॉर्मेशंस को आपको एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको यूज़ करना होता है। ठीक है, क्या है वो चीज़ें? अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, अगर ऐसा बोला ना तो आपको समझ जाना है कि ये हमें क्या हिंट दे रहा है। ये हमें बता रहा है कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है। इसमें आपको क्या समझ लेना है बेटा कि उस सिचुएशन में उस बॉडी की जो इनिशियल स्पीड है वो क्या है? जीरो है। अगर आपको ऐसा बोलता है बॉडी स्टार्ट्स, ए कार स्टार्ट्स, ए बाइक स्टार्ट्स, बॉडी स्टार्ट इस तरीके का बोलता है फ्रॉम रेस्ट, देन यू हैव टू टेक यू इक्वल्स टू जीरो। एंड इसी तरीके से अगर आपको बोलता है कि ए बॉडी स्टॉप्स आफ्टर दिस मच टाइम, आफ्टर कवरिंग दिस मच डिस्टेंस, ऐसा फाइनली ये बोलता है कि बॉडी स्टॉप हो जा रहा है, तो बेटा फाइनल वेलोसिटी इस बार आपको क्या ले लेना है? जीरो ले लेना है। ठीक है, ये दो वर्ड, दो जो सेंटेंसेस हैं आपको कहीं भी दिखता है क्वेश्चन में, तो आप समझ लो कि ये इनडायरेक्टली आपको कोई डेटा दे रहा है। क्या डेटा दे रहा है? इस केस में आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है विच इज इक्वल्स टू जीरो, और इस कंडीशन में आपको ये फाइनल वेलोसिटी दे रहा है विच इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो क्वेश्चन में जब भी ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो आपको समझ जाना है कि वो आपको क्या हिंट करना चाहता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको अप्लाई करना सीखेंगे हम लोग। तो थोड़ी प्रैक्टिस होगी आज हमारी एग्जाम्पल्स के थ्रू। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड विथ ए इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड इट्स वेलोसिटी
after 10 seconds, ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है, आपको क्या कह रहा है बेटा कि 10 सेकंड के बाद उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो देखिए जब बेटे आपको क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि आप उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो, जो भी गिवन क्वांटिटीज आप उसमें से निकाल सकते हो उन सबको निकाल लो, देन यू डिसाइड कि आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना है। तीन इक्वेशन है आपके पास, देखो कौन सा इक्वेशन उसमें सूट करता है। कोई इक्वेशन कैसे सूट करता है बेटा, अगर किसी इक्वेशन की सिर्फ एक क्वांटिटी अननोन है बाकी नोन है तो हम उस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं बेटा, यूज कर सकते हैं, दिस इज द फंडा। हाँ तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या गिवन है बेटा, तो इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो क्या बोला बेटा, एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो मैंने क्या बोला ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है बेटा, आपको यू इक्वल्स टू जीरो मानना है ना, क्योंकि रेस्ट मतलब क्या होता है वो स्पीड जीरो थी उसकी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या दिया बेटा टाइम दिया है कितना 10 सेकंड, और क्या पूछा है हमसे वेलोसिटी, फाइनल वाला फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछा है। तो देखो बेटा ये चार क्वांटिटी कौन से इक्वेशन में दिख रहे हैं जिसमें कि ये अननोन है, तो चूंकि हमने पढ़ा है v इक्वल्स टू क्या होता है u प्लस at, मेरे पास u है बेटा, a है बेटा, t है, तो v तो निकल ही जाएगा, तो u देखो कितना है 0, a कितना है बेटा 5, t कितना है बेटा 10, तो how much it is 50 meter per second, so after 10 second its velocity will become 50 meter per second, ठीक है 50 meter per second, so it's very easy, अगर आप process wise जाते हो आपको काफ़ी आसानी से questions बन जाएंगे, ठीक है। next example लेते हैं बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मान लो अबव क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन में आपसे पूछता है ना, यही क्वेश्चन है इसी में पूछता है कि आल्सो फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल, आल्सो फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड इन अबव क्वेश्चन, अबव क्वेश्चन क्या करेंगे बेटे हम लोग, तो इस बार अपने को और क्या निकालना है बेटा, एस निकालना है, तो एस का क्या रिलेशन है आपके पास, तो देखो एस का रिलेशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज रिलेशन, ठीक है, तो एस इक्वल्स टू, अब चूंकि यू देखो आपका क्या है जीरो है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बेटा जीरो हो जाएगा, बचा क्या हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ एक्सेलरेशन आपके पास कितना था बेटे, एक्सेलरेशन आपके पास 5 था, टाइम आपके पास कितना है 10, उसका क्या करना है स्क्वायर, ठीक है, तो हाफ इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा बोले 100 विच इज 50, और कितना हो गया 250 मीटर, है ना, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो कितना है 250 मीटर है, कुछ दिक्कत ही नहीं है इसमें, है ना, आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है, मजे से सॉल्व किया जा सकता है, और मजे की बात क्या है बेटे ऐसे क्वेश्चंस ना आपको क्लास 11th में बहुत मिलेंगे, मतलब यहाँ आपने अच्छे से किया ना क्लास 11th में आपको एकदम इजी लगेगा, हाँ बहुत आसान लगेगा, चाहो तो आज के जो 11th के बच्चे हैं अगर उनमें से किसी से आपका कॉन्टैक्ट हो बात करके देखो कि उनकी अभी तक मतलब 11th की जो 2-3 महीने की पढ़ाई है स्टार्टिंग की 2-3 महीने की जो पढ़ाई होती है वो ऑलमोस्ट 9th में कवर हो जाता है, मीन्स नॉट 3-4 months बट क्या बोलते हैं उसके ऑलमोस्ट पूरे 11th की जो बेसिक चीज़ें हैं पूरे 11th की जो बेस है वो आपको 9th में हो जाता है, ठीक है, तो अगर आप 9th को अच्छे से करोगे बेटे तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको 11th में आने वाला है, आपको 11th इतना आसान लगेगा फिर कि जो बच्चे साइंस लेने से डरते हैं जो बच्चे नीट या जेई लेने से डरते हैं उनका ये डर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ओके, तो 9th को बहुत अच्छे से पढ़ना है, देन 10th को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है बिकॉज 10th की चीज़ें फिर आपको 12th में मिलती है, ठीक, तो चलिए इसको अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ छापना नहीं है बेटा आपको प्रैक्टिस करना है, जब मैं कोई क्वेश्चन लिखूँ पहले पॉज करके आप खुद से बनाने की कोशिश करिए देन आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ बेटा, ए कार इज ट्रैवलिंग
with speed 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ए कार इज ट्रैवलिंग विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस After traveling some distance, its speed becomes 90 km per hour. 90 km per hour. If acceleration of the car is 2 meter per second square, then find distance traveled. ठीक है, हमने क्या बोला बेटा क्वेश्चन में कि एक कार है, ठीक, हालांकि ये कार के जैसा नहीं दिख रहा है बट कंसीडर कर लो भैया ये कार है, ठीक है, तो ये कार क्या है, चल रहा है कितने स्पीड से बेटा 36 किलोमीटर पर आवर से, तो ये इनिशियल हुआ कि बेटा फाइनल हुआ, ऑब्वियसली दिस इज इनिशियल स्पीड, सो यू ले लेंगे कितना है बेटा 36 किलोमीटर पर आवर, हाँ, उसके बाद ये क्या हुआ, कुछ दूर चला तो भैया कितना चला, तो मान लिया हमने एस चला, ठीक है, कितना चला, एस चला, उसके बाद इसकी स्पीड जो है बढ़ गई और कितनी हो गई 90 किलोमीटर पर आवर हो गई, और इस दौरान बोला कि ना एक्सेलरेटेड था कार, जो है कार में एक्सेलरेशन था, ऑब्वियसली तभी तो स्पीड बढ़ा है, और वो कितना है 2 meter per second square, हमें क्या कैलकुलेट करने बोला गया है, ये जो एस है, ये जो डिस्टेंस है, वो हमें निकालने बोला गया है, कैसे करें भाई साहब, कैसे करें, देखो बेटे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, है ना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अगर पॉसिबल हो तो हमेशा क्वेश्चन को डायग्राम के फॉर्म में लेके आओ, जब डायग्राम ड्रॉ करते हो आप, तो जो चीज़ें आपको क्वेश्चन में जो वर्ड्स हैं उसमें नहीं दिखाई देते, वो आपको डायग्राम में दिखाई दे पड़ते हैं, ठीक है, थीके? तो मैं अक्सर सजेस्ट करता हूँ कि आप क्वेश्चन को डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना सीखो, अभी से सीखोगे तो 9, 11, 12 तक आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है क्लास 9th में क्या है या 10th में क्या है कि सिंपल जो है सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बट अगर आपकी एम, आपके टारगेट थोड़े हायर हैं, है ना, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको ऑब्वियसली टफर लेवल पर जाना पड़ेगा, और उसके लिए चाहिए आपका बेहतर इमेजिनेशन, अच्छा इमेजिनेशन पावर चाहिए, ठीक है, तो उसको डेवलप करने की जो शुरुआत है वो आप अभी से करें, है ना, क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका है वो आपका एकदम बेजोड़ होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, ठीक है, और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डायग्रामेटिकल फॉर्म में लेके आएँ, तो इससे आपको जो है ना समझने में अच्छा होता है, आपका इमेजिनेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है, है ना, आप उन चीज़ों को भी देख पाओगे जो वर्ड्स में आपको नहीं दिख रहे हैं, क्लियर, तो डायग्राम के फॉर्म में हमेशा क्वेश्चन को कन्वर्ट करने की कोशिश करो, जैसा मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है भैया कि हमें ये वाला डिस्टेंस निकालनी है, हाँ, तो कैसे निकालें, अच्छा, अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि यहाँ पर भैया इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो किलोमीटर पर आवर में है, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो भी 9 किलोमीटर पर आवर में है, एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, तो ये कौन सा यूनिट है बेटा, एसआई यूनिट है, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, बट यहाँ किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो बेटे जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि फिजिक्स में ना अक्सर कोशिश करो कि एसआई यूनिट में सॉल्व किया जाए, हमेशा क्वेश्चन को एसआई यूनिट में सॉल्व करने की कोशिश करो, एक बात, या तो आप सबको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लो एंड देन सॉल्व करो, दूसरा या तो आप ये कर सकते हो कि सबको किसी भी एक सिस्टम में करके सॉल्व करो, मतलब हर क्वांटिटी एक ही सिस्टम में होना चाहिए, अगर
अगर SI है तो सारे जो क्वांटिटीज हैं वो SI में ही होनी चाहिए, अगर CGS है तो सारे जो हैं वो CGS में ही होने चाहिए। आ रही बात समझ में? अगर कुछ क्वांटिटीज को आपने एक सिस्टम में ले लिया और कुछ सिस्टम क्वांटिटी को SI में ले लिया, मींस कुछ को CGS में ले लिया, कुछ को SI में ले लिया, कुछ को किसी और यूनिट में ले लिया, तो 100% आपका जो आंसर है वो गलत आएगा। आप फॉर्मूला सही यूज करोगे, कंसेप्ट सही यूज करोगे, कैलकुलेशन सही करोगे, बट फिर भी आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में आपको काफ़ी केयरफुल रहना है और ध्यान से यूज करना है। तो बेटर यही है कि आप हमेशा SI सिस्टम में काम करें, और अगर SI में नहीं कर पा रहे हैं, मतलब SI में नहीं है, तो आप हर सिस्टम, हर क्वांटिटी को एटलीस्ट सेम सिस्टम में रखें। SI तो सारे SI होने चाहिए, CGS तो सारे CGS होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ SI ले लिया, कुछ CGS ले लिया, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। ठीक, तो बेटे यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये तो SI में है, ये SI में नहीं है, ये SI में नहीं है, विशुद्ध कन्वर्ट दे, है ना, उसको कन्वर्ट करके SI में ले आना चाहिए। तो बेटे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बताया है कि आप इसे क्या कर लें, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लें। 18 हो गया बेटा 36, 25 का क्या हो गया 10 मीटर पर सेकंड। देखो ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में, अब ये SI बन गया। सिमिलरली बेटा यहाँ पर भी देखो इसको क्या लिख सकते हो, किलोमीटर बराबर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18×95 होता है बेटा, 5/5 का क्या हो गया 25 हो गया, है ना, कितना हो गया 25 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, ओके, अब ये सब जो है एक सिस्टम में आ गया, ये भी SI, ये भी SI, ये भी SI। अब हमारा है ना कैलकुलेशन और आंसर सब क्या होगा, परफेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक, अब सवाल उठता है हम इसमें कौन सा इक्वेशन लगाएं, तो बेटा ऐसा इक्वेशन लगाएं जिसमें ये चारों चीज़ें हों। तो सोचो, और आपको तीनों इक्वेशन पे ध्यान दौड़ाओगे तो ऐसा एक इक्वेशन मिलेगा जिसमें 3 गिवन है और चौथी नहीं गिवन है, वो है v² = u² + 2 ऑफ a × s। ठीक है, तो v यहाँ पर कितना है बेटा 25 है, उसका स्क्वायर हो गया, u यहाँ पे कितना है 10 है, उसका स्क्वायर हो गया 2, एक्सेलरेशन कितना है बेटा 2 है, एंड s हमें निकालना है। ओके बेटे, इसको मैं इधर बुला लेता हूँ, 25 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, ओके सॉरी 10 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 4s हो गया, है ना। बेटे इसमें आप क्या कर सकते हो, a² - b² का फॉर्मूला लगा सकते हो, विच इज a - b × a + b, जो 25 - 10 × 25 + 10, है ना, a - b × a + b वाला फॉर्मेट हमने यूज किया, 4s, सो 4s इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 15 × 35, 15 × 35, है ना, सो s इक्वल्स टू हो गया 15 × 35/4। ठीक है, कितना हो गया बेटे 15 × 35/4, है ना, तो इसको आप क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर लें बेटा, कैसे कर लोगे 35 × 15 कितना हो जाता है बेटा 25 2 3 5 15 2 17 35 5 7 5 12 2 0 1 3 4 5, कितना हो गया बेटा 525। ठीक है, 525/4, ठीक है, 525/4, है ना। कि देखो बेटे आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 625 माइनस 100 क्या होता है 525 होता है डायरेक्ट, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसा किया ताकि आपको इसका यूज भी समझ में आए कि a - b × a + b वाला, अगर क्योंकि छोटा है तो आपने डायरेक्टली कर लिया, लेकिन ये बड़े होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, है ना, तो उस सिचुएशन में आप a - b × a + b वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, डिस्टेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 525/4, अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटे 525/4, 4 बन जा हो जाएगा बेटा 12 + 4 = 1, तो 4 × 8 = 24, तो ये हो जाएगा बेटे आपका 131.25 क्लियर है मीटर। सो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इसके बाद इसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, दैट इज 131.25 मीटर।
अभी टेक नेक्स्ट टाइम पर आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो आपको कहता है कि आप यहाँ से चले और चलने के बाद आप पॉइंट ए पर पहुँचे 9 सेकेंड में, कितना चले आप, मान लो 90 मीटर चले, ठीक है, 9 सेकेंड में आप 90 मीटर चले। अब मैं कहता हूँ कि इसी रास्ते पर आप जो है 10 सेकेंड में आप 120 मीटर चले, 10 सेकंड में आप 120 मीटर चले और कहाँ पहुँचे, बी पर पहुँचे, ठीक है बेटे। 9 सेकंड में आप यहाँ तक पहुँचे थे और 10 सेकंड में आप यहाँ तक पहुँचे, ध्यान से सुनना। तो बेटे ये जो आखिरी का एक सेकंड, यहाँ तक 9 सेकंड हो गए ना आपके, इसके बाद 10वां सेकंड चालू होगा, ये आखिरी का एक सेकेंड है, 10th सेकेंड, क्लियर। अगर मैं बोलूँ कि इस आखिरी एक सेकेंड में आप कितना चले, क्या बोलेंगे भैया, हम टोटल 120 मीटर चले थे, 9 सेकेंड में हम 90 मीटर चले थे, तो इसमें कितना चले होंगे, 30 मीटर चले होंगे, चले होंगे कि नहीं, ठीक, आगे बात समझ में। तो डिस्टेंस ये कौन सा है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 10th सेकेंड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 10th सेकेंड। तो बेटे कैसे निकाला आपने डिस्टेंस ट्रेवल इन 10th सेकेंड, आपने 10 सेकंड में जो चला और आपने 9 सेकंड में जो चला उसको माइनस किया, 10 सेकंड में आप 130 चले थे, 120 चले थे और 9 सेकंड में आप 90 चले थे, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपको आया 30 मीटर, है ना बेटे। तो आपने क्या देखा, जब आपको s 10th निकालना है तो 10 माइनस 9 करना है। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ कि किसी भी 10th सेकेंड में 4th सेकेंड, 5th सेकेंड, 10th सेकेंड, 20th सेकेंड, 100th सेकेंड, ऐसा कोई भी सेकेंड लाना हो तो हम क्या करें, तो आप क्या देखो बेटे, 10th है तो 10 लिया, यानी nth है तो n लूंगा, n सेकेंड में, माइनस 9, इससे एक कम है ना, इससे एक कम, तो बेटे n से एक कम क्या होगा, n माइनस 1, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 माइनस 1 सेकेंड आपको क्या देता है, आखिरी सेकेंड यानी nth सेकेंड का डिस्टेंस ट्रेवल्ड दे देता है। क्या ये बात आपको समझ में आई, है ना, अच्छे से आई होगी। चलिए बेटे तो इसका हम यूज करेंगे और टॉपिक पढ़ेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, nवें सेकेंड में चली गई दूरी, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। जैसा आप देख पा रहे होंगे हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, एस एन एथ इक्वल टू क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1, और चूंकि हमको ये भी पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ut + ½at² है ना, ये फॉर्मूला है बेटे। अब चूंकि एस एन का मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड, मतलब टाइम कितना लेना है, एन सेकेंड लेना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड जब निकालते हैं तो हम टाइम क्या ले लेते हैं, एन ले लेते हैं, तो एन ले लेंगे टाइम के लिए, तो जहाँ जहाँ टाइम है वहाँ पर क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, तो यू इंटू एन प्लस हाफ इंटू ए इंटू एन का क्या हो जाएगा बेटे, स्क्वायर, सो दिस इज यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर एस एन है, ये आ गया आपका एक चीज। दूसरा आपको क्या करना है, फिर एन माइनस वन सेकेंड में चाहिए, एन माइनस वन सेकेंड में निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, टाइम एन माइनस वन ले लेना पड़ेगा इस बार, ठीक है। अब की बार हम टाइम ले लेते हैं, टी बराबर एन माइनस वन, तो देयर फॉर एस एन माइनस वन कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, प्लस हाफ ए टाइम कितना है बेटा, एन माइनस वन का स्क्वायर, हाँ ऐसा करें, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू, यहाँ क्या किया हमने बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, बहुत अच्छे, यू एन माइनस यू प्लस ए क्या हो जाएगा बेटे, हाफ ए एन स्क्वायर प्लस ए बाई टू माइनस ए एन, ऐसा आ गया एस एन माइनस वन। तो अब जो हमारा मेन इक्वेशन है ना, कि एस एन एच बराबर क्या चीज़ है, एस एन माइनस वन, तो एस एन यहाँ से निकल गया, एस एन
ए एन स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा एस एन माइनस वन विच इज यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस ए बाई टू माइनस ए एन। हाँ तो बेटे यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ए बाई टू प्लस ए एन ऐसा हो जा रहा है। तो आप क्या देख लो बेटे कि क्या क्या कट जा रहा है, प्लस यू एन माइनस यू एन कट जा रहा है, प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन स्क्वायर कट जा रहा है, और बच जा रहा है हमारे पास यू माइनस ए बाई टू प्लस ए एन। हाँ यू माइनस ए बाई टू प्लस ए एन, ठीक है। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। An acceleration
पर सेकंड स्क्वायर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिफॉर्मली देन फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉय इन 6 सेकेंड। ठीक, तो बेटे आप इसको पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद में सॉल्यूशन देखें। मुझे पूरी उम्मीद है आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो क्या दिया हो बेटे यहाँ पर, एक वॉइस ट्रेवल्ड, वॉइस ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर। देन बोलता है एक्सेलरेशन कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन पूछता क्या है आपसे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन क्या 6 सेकेंड, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड। तो n बराबर क्या हो गया बेटा, 6 हो गया। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या सोचना है कि सारे जो चीज़ें हैं वो सेम यूनिट सिस्टम में है या नहीं। क्या ये सेम यूनिट सिस्टम में है, नहीं है। ये किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये SI में है, ये SI में नहीं है, तो हमें SI में कन्वर्ट कर लेना चाहिए बेटा। ठीक है, कैसे करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 5 टू 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ इट इज इन SI सिस्टम, अब हमें इसको यूज करना है। क्या करना, एस सिक्स क्या हो जाएगा फॉर्मूला बेटा, यू प्लस ए बाई टू, 2n-1 हमें यूज करना है। यू हमारे पास कितना है, 10 है, ए हमारे पास 6 है, एन हमारे पास 6 है ना, माइनस 1। तो क्या हो गया बेटा, 10, 2 से 3 हो गया, और 6 × 12 माइनस 1 क्या हो गया बेटा, 11, 11 × 3 = 33, और प्लस 10 क्या हो गया, 43 मीटर। 6 सेकेंड में उसने कितना चला, 43 मीटर चला। ठीक है, 43 मीटर उन्होंने अपने लास्ट सेकेंड में कवर किया। कोई दिक्कत है बेटे, आ रही बात समझ में, चलिए। अब बेटे ये जो अभी तक हमने 3 + 4 + 3 + 1 टोटल 4 इक्वेशंस पढ़े हमने, तो अब हम इनको कंबाइन करके भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। हाउ, लेट्स सी एग्जांपल। इफ अ मैन ड्राइव्स हिज कार विद एन acceleration 4 meter per second square, then starting from rest, then starting from rest after how much time, after how much time its velocity will become 108 kilometer per hour, 108 kilometer per hour. Also find distance traveled in this duration. Also find distance traveled in the last second of the journey के लास्ट सेकेंड में वो कितना चलेगा, ये भी निकालिए। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ओके बेटे, तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया, जो भी डेटा आपको दिख रहा है इसमें से निकाल लीजिए बेटा। क्या करिए, इफ अ मैन
drives his car with an acceleration. So acceleration is given how much? 4 meter per second square. Then क्या लिखा है? Starting from rest. इससे हमें क्या पता चलता है? U zero है. After how much time? क्या पता करना है? Time पता करना है कि उसकी velocity finally क्या हो जाती है? 108 किलोमीटर पर आवर हो जाती है. ठीक? और क्या पूछा है हमसे बेटा? Distance travelled in this duration and distance travelled in nth second. है ना? S nth. ये तीन चीजें हमें निकालनी है. ठीक है? तो बेटे मैंने फिर से आपको बोला कि इस चीज को क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो 5/18 18 से क्या 78 से, है ना, 6/5 30 मीटर पर सेकंड, है ना. अब ये ओके है, अब हम यूज कर सकते हैं. बेटे बताओ कौन सा फार्मूला यूज कर ले हम पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए. टाइम निकालना है तो चूंकि आपको पता है बेटा, चूंकि आपको पता है v = u + et होता है. v आपके पास कितना आया? 30. u कितना दिया था? 0 प्लस एक्सेलरेशन आपके पास कितना है? 4. और टाइम आपके पास कितना है निकालना है. ठीक है, तो कितना हो गया बेटा? 30 = 4t. देयरफॉर t = क्या हो जाएगा? 30/4 व्हिच इज 15/2 व्हिच इज 7.5 मीटर पर 7.5 सेकंड. हां, ये हो गया आपका टाइम. तो आपको कितना टाइम लगा वो पता चल गया बेटा. दूसरे पार्ट में अपने को क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना है. ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना है. इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो. एक तो ये यूज कर सकते हो, v² u² + as, क्योंकि u आपका 0 है, ये खत्म हो जाएगा बेटा. v आपके पास 30 है, तो 30² = 2a, और a कितना दिया हुआ है? 4. और s आपको निकालना है, तो s इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? 30² / 8, 30 × 30/8. 2 से 15, 2 से 4, 2 से 15, 2 से 2. ठीक है, 15 कितना होता है बेटा? 225/2, तो कितना हो जाएगा बेटा? 112.5 मीटर है. सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 112.5 मीटर. दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. वेल, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो बेटा? इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें टाइम मिल गया है बेटा. टाइम मिल गया है तो हम s = ut + ½at² भी लगा सकते हैं. s = ut + ½at² यूज करा, u 0 है तो ये खत्म हो जाएगा. हाफ एक्सेलरेशन है 4, और टाइम आपने कितना लिया था? कितना आया था आपका? 7.5 ना, हां 7.5 यानी 15/2 का स्क्वायर. तो 2 से 2 कैंसिल हो गए बेटे. 2 × 15² = 225, और 2² = 4, तो ये 2 हो गया. 225/2 is 112.5 meters. Again we get the same answer, and then same answer अपने को मिलेगा. तो ये तो दो पार्ट हो गए बेटे. अब तीसरा पार्ट है nth second. अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, ये तीसरा पार्ट यहाँ पे लागू नहीं होगा, कि तीसरा second जो है वो पूरा नहीं है. ठीक है, तीसरा second जो है वो पूरा नहीं है. यहाँ पर integers आने चाहिए. ठीक है, तो अगर integers आते तो ठीक रहता, डेटा की गड़बड़ी की वजह से हम इसको इग्नोर कर सकते हैं. ठीक है, समझ में आएगा और वहां बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलिए.
शुरुआत करते हैं। पहली चीज है, टू फाइंड, पहली चीज है टू फाइंड स्पीड और वेलोसिटी, फाइंड स्पीड और वेलोसिटी। सिक्स बेटे, क्योंकि आपने क्या सीखा है कि वेलोसिटी या स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, होता है कि नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटे एक अगर टाइम इंटरवल पकड़ते हो उसमें आपने कितना डिस्टेंस चला, मान लो डेल एक्स चला, ठीक है, तो v बराबर क्या हो गया, डेल एक्स अपॉन डेल वी। अब अगर बेटे इस टाइम ड्यूरेशन को बहुत छोटा कर दो, बहुत 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 छोटा, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, जब हम, मैंने बोला था बेटा जब थोड़ा बड़ा रहता है चीज तो उसको डेल से शो करते हैं, जब बहुत छोटा हो जाता है तो डी से शो करते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जो टाइम इंटरवल है ना मेरा, उसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत छोटा, बहुत छोटा यानी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, ठीक है, जिसको डी से शो करते हैं। तो ये जो टाइम इंटरवल है बेटा वो बहुत छोटा हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। बेटे जब टाइम छोटा लेंगे तो डिस्टेंस भी आप क्या चल पाओगे, छोटे टाइम में छोटा ही चल पाओगे। तो ठीक है, इसमें हम इस चीज में हम क्या कर रहे हैं, टाइम को बहुत छोटा कर दे रहे हैं। टाइम बहुत छोटा हो गया तो dt हो गया बेटा, उसी तरीके से डिस्टेंस भी बहुत छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। v बराबर क्या हो रहा है, dx / dt। तो dx आखिर है क्या, डिस्टेंस ही तो है और dt आखिर है क्या, टाइम ही तो है और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड ही तो होता है, ठीक है। तो स्पीड बराबर क्या आया, देखो dx अपॉन dt। अब बेटे मैंने आपको क्या सिखाया है कि ये जो d / dt है वो क्या है, डिफरेंशिएशन है और x क्या है बेटा, फंक्शन है। यानी x का अगर हम टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। तो किसी चीज का किसी चीज के साथ डिफरेंशिएशन करना वो तो हमें आता है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस, x जो है ना वो क्या क्या चीज शो कर सकता है, वो डिस्टेंस हो सकता है या उसको आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो या फिर पोजीशन बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का डिफरेंशिएशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स क्या बेटा, स्पीड और वेलोसिटी, क्या देता है हमें, स्पीड या वेलोसिटी देता है। therefore v equals to क्या हुआ, dx by dt। so this is the formula of speed or velocity, speed or velocity, समझ में आया क्या। तो आपका जो x है यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वो क्या होना चाहिए, टाइम का फंक्शन होना चाहिए। तो आप उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे और आपको स्पीड मिल जाएगा। आगे बात समझ में बैठे, इसके ऊपर हम कुछ थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे, है ना, कैसे इसको यूज करना है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, एग्जांपल, इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a particle is given by x equals to 4t square minus 8t plus 6, ठीक है, the distance traveled by a particle is given by x equals to 4t square minus 8t plus 6, then find its speed at t equal to 0 and t equal to 1 second, ठीक है, t equal to 0 and t equals to 1 second पर इसका स्पीड निकालना है। क्लियर बच्चे, तो हाउ टू प्रोसीड देखो बेटे, हमने क्या सीखा, सिंस v equals to क्या है, d by dt किसका, x का, है ना बेटे, तो हम क्या लिख लेंगे बेटे, d by dt x का। x क्या चीज है बेटे, देखो 4t square minus 8t plus 6, इसका क्या मतलब हुआ बेटा, कि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है एंड इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बताओ बेटे 4t square का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा,
टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो हमने क्या सिखाया था आपको, ये जो है कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को एज इट इज रखना है, पावर वाला बचा उसको क्या करते हैं, पावर को सामने मल्टीप्लाई करते थे और पावर को एक माइनस कर देते थे, 2 माइनस 1 1 बच जाएगा बेटे, माइनस 8t का क्या हो जाएगा बेटे, 8 का 8 रहेगा t का t के साथ 1 हो जाएगा बेटे, प्लस 6 का 6 क्या चीज है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन किसी भी चीज के साथ क्या होता है, 0, सो व्हाट इट इज कमिंग, 8t - 8, ठीक है बेटे, equals to क्या आया, 8t - 8 आया, हां वेल अब इसमें हमको क्या चाहिए बेटा, एक बार t equals to 0 रखना है और एक बार t equals to 1 रखना है, तो at t equals to 0 की बात करूं तो v equals to क्या हो जाएगा बेटे, 8 into t is 0 ना, so -8, so it is -8 meter per second, ठीक है, t equals to 0 पर इतना हो गया, अब हमें चाहिए at t equals to 1 second, तो भैया हम क्या रख लेंगे, v बराबर 8 t के बदले 1 रखूंगा, 8 into 1 होगा -8, ये कैंसिल हो गया बेटा, क्या बचा 0, तो इस समय v क्या रहेगा 0, यानी बॉडी हमारा क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, उस समय इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अच्छे से समझ में आ रहा है बेटे, क्लियर, और कुछ नहीं है, एग्जांपल समझो, तो जो भी आपको x का फंक्शन दिखे बेटा उसको बेसिकली क्या करना है, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है टू फाइंड स्पीड, नेक्स्ट एग्जांपल, इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय x equals to 2t square minus t plus 8, 2t square minus t plus 8, then find speed at pehla t equals to 0 second, दूसरा t equals to 1 second and तीसरा t equals to 2 second, ठीक है, इस तरीके से आपको तीन टाइम पर निकालना है, तो आपने चूंकि पढ़ा है बेटा v बराबर क्या होता है dx by dt है ना, और dx by dt यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लो बेटा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताओ, 2t square का क्या हो जाएगा, 2t square का क्या हो जाएगा, 2t minus t का क्या हो जाएगा बेटा 1, और 8 constant में क्या हो जाएगा 0, क्या बच रहा है बेटा आपके पास 4t minus 1 है ना, this is the speed at any time t, ये अभी क्या है बेटा किसी भी time t पर है, अब हमें कुछ भी specific time पर चाहिए तो वो specific time उस function में क्या करेंगे रख देंगे, for example पहले के लिए first के लिए t हमें क्या रखना है बेटा 0 रख दो बेटे, therefore v equals to 4 into 0 minus 1 which is minus 1 meter per second, तो ये अच्छा क्योंकि हम इसको क्या ले रहे हैं बेटा t equals to 0 ले रहे हैं, t equals to 0 यानी initial है ना, t equals to 0 यानी initial time, और initial time पर जो speed होगा उसको initial speed कहेंगे, यानी ये जो speed है वो क्या है initial speed है, कभी भी question में बोले कि initial find करो तो आपको t क्या ले लेना चाहिए 0 ले लेना चाहिए, क्योंकि starting में जब आप start करते हो किसी काम को करना तो उस समय का time क्या पकड़ते हो 0 पकड़ते हो, समझ गए, v equals to क्या हो जाएगा minus 1 meter per second हो जाएगा जो कि initial speed है, अब दूसरा पूछ रहा है हमसे कब बेटे t equals to 1 second पर, रख लीजिए बेटा t की value 1, तो v equals to क्या हो जाएगा 4 into 1 minus 1 4 minus 1 that is 3 meter per second, so v is now 3 meter per second, 1 second पर उसकी speed इतनी हो गई बेटे, तीसरी हमें कब चाहिए 2 second में चाहिए, तो t equals to 2 सेकंड पर रख लीजिए बेटा t की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा क्योंकि v बराबर आपके पास क्या आया है 4t minus 1 आया है, 4t के बदले 2 minus 1 4 2 8 minus 1 क्या बचा बेटा 7 मीटर पर सेकंड, देखो
बहुत ही आसानी से अपन क्या कर पाते हैं, स्पीड कैलकुलेट कर पाते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाते हैं अगर हमारे पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो। हरी बात समझ में बेटे, बहुत अच्छे। ये हो गया हमारा वन मोर एग्जांपल। Example, if distance of a body is given by root x equals to x equals to t plus 4. If distance of a body is given by root x equals to t plus 4, then find speed at pehla t equals to 0, dusra t equals to 1 second. ठीक है, ये दो तरफ करना है आपने। क्या करें बेटा आंसर? अब देखो यहाँ पर root x equals to t plus 4 दिया है, क्या करें इसको, है ना? तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि थोड़ा सा आपको घुमाया गया है। तो बेटे दोनों साइड आप स्क्वायरिंग कर लो, है ना? तो अब ये क्या हो गया बेटा, x हो गया और ये t plus 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे, t स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8t, ऐसा हो जाएगा। x इक्वल टू क्या आ गया बेटे, t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 16, है ना? तो जो स्टैंडर्ड आता था अक्सर वैसे ही कुछ आ गया क्या, है ना? अब इसको करना आसान है, पहले आप टेक्स्ट देख करके डर गए होंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, है ना? जहां आपको डिफरेंशिएशन आता है वहां डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती, कतई नहीं। ठीक है, तो आप देखो थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे आपका काम बन जाएगा। x बराबर आ गया बेटा, x आ गया तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। चलिए करते हैं बेटा इसका डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, क्या करें हम? तो आपको पता है बेटा dx / dt कितना हो जाएगा, x t का फंक्शन है तो t के साथ डिफरेंशिएट होगा, dx / dt कितना हो गया बेटा, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, 8t का क्या हो जाएगा, 8 और 16 का क्या हो जाएगा, 0। और इस dx / dt को ही क्या बोलते हैं, v बोलते हैं। v बराबर आ गया बेटा 2t + 8, है ना? 2t + 8, तो हमने फंक्शन पा लिया बेटा स्पीड का, हमने फंक्शन पा लिया स्पीड का। अब उस अलग अलग टाइम पर चाहिए तो हम टाइम रख लेंगे बेटा, पहला t = 0 रख लेंगे बेटा, t के प्लेस में 0, 2 into 0 plus 8 which is 8 meter per second। दूसरा है बेटा t = 1 second, ठीक है, 1 second पर क्या हो जाएगा, v = 2 into 1 plus 8 which is 10 meter per second। बहुत ही आसानी से आ जाता है भैया, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ आसान है, मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। क्लियर, तो ये हो गया आपका। अब हम इसका दूसरा रूप देखेंगे, मतलब दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे बेटा, और कहाँ यूज कर सकते हैं, और कहाँ यूज कर सकते हैं। आइए सेकंड, ठीक है, सेकंड हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए, टू फाइंड एक्सेलरेशन, टू फाइंड एक्सेलरेशन कैसे, क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, तो आप बताओ बेटा एक्सेलरेशन आपने क्या पढ़ा है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना? होता है कि नहीं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, डेल वी बाय डेल टी, ऐसा होता है। तो बेटे यहां पर देखो ये डेल है, डेल यानी क्या, बड़ा चेंज। अब इसको बहुत छोटा चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने बोला आपको लिमिट लगा करके डेंटी को क्या कर लो, अप्रोक्सीमेटली जीरो कर लो डेंटी बाई डेंटी में, है ना? जब आप डेंटी को बहुत छोटा कर लेते हो, बहुत छोटा डेंटी को क्या लिखते हैं बेटे, डीटी लिखते हैं। बहुत छोटा टाइम है तो चेंज भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा बेटा इस वेलोसिटी में। तो देखो डीवी बाई डीटी आ जा रहा है, इससे आपको क्या मिल जा रहा है, एक्सेलरेशन। अब
आपको पता है बेटा d by dt यानी क्या डिफरेंशिएशन किस चीज का कर रहे हो v का तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा अगर v का डिफरेंशिएशन करें टाइम के साथ तो हमें क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन मिल जाएगा है ना बेटे तो हम क्या कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स एक्सेलरेशन है ना बेटा यहां से हमें क्या मिल जाता है एक्सेलरेशन तो जब भी हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा तो भी हमें डिफरेंशिएशन का सहायता लेना पड़ेगा डिफरेंशिएशन की बात करनी पड़ेगी उस टाइम अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे ये 9th के जैसा जो है क्वेश्चंस नहीं रहेगा जो आप सिंपली फॉर्म यूज कर लेंगे यहां पर ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए ठीक है चलिए तो बेटा इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस करके देख लेंगे फॉर एग्जांपल अगर मैंने माना कि स्पीड ऑफ अ कार इज गिवन बाय v equals to 6t square minus 3t plus 9 ठीक है 6t square minus 3t plus 9 then find initial acceleration ऐसा बोल दिया है ना बेटे initial acceleration तो कैसे करेंगे इसको तो बेटे since आपको v दिया हुआ है 6t square minus 3t plus 9 एक बार इसको डिफरेंशिएट करिए बेटा dv / dt करिए है ना तो 6 2 का क्या हो जाएगा 12t - 3t का क्या हो जाएगा बेटा 3 + 9 का क्या हो जाता है 0 तो बेटे आपको पता है dv / dt को ही हमने क्या कहा है एक्सेलरेशन कहा है तो ये चीज क्या हो गया एक्सेलरेशन हो गया 12t - 3 यही चाहिए था हमें एक्सेलरेशन के लिए बट कौन सा एक्सेलरेशन चाहिए बेटा इनिशियल एक्सेलरेशन चाहिए आप सभी को पता है जब भी मैं इनिशियल वर्ड बोलूं तो आपको टाइम क्या ले लेना है जीरो ले लेना है जब आप टाइम जीरो ले लेते हो और इस इक्वेशन में पुट करते हो तो एक्सेलरेशन 12 * 0 - 3 हो जाता है -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है इनिशियल एक्सेलरेशन कुछ भी दिक्कत नहीं है समझ आया और एक आध एग्जांपल लेंगे ध्यान से सुनो बेटा अगर मैंने बोला कि इफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय एक्स इक्वल्स टू 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6 देन फाइंड initial velocity and initial acceleration अभी जो हमने दो चीजें सीखी हमने दोनों को कंबाइन कर दिया ठीक है चलिए कैसे करेंगे बेटे चूंकि आपके पास क्या गिवन है x गिवन है 2t cube plus 3t square plus 4t plus 6 इसको डिफरेंशिएट करोगे बेटा dx / dt करोगे कितना हो जाएगा 3 2 6 t स्क्वायर 3 2 6 t 4t का 4 6 का 0 तो ये आ गया कैसे dx / dt इस dx / dt को ही आप क्या कहते हो बेटा वेलोसिटी कहते हो इस तरीके से आपको वेलोसिटी मिल गया बेटा 6t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4 ये वेलोसिटी का फंक्शन हो गया है ना वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t हो गया अब इसमें मुझे चाहिए कौन सा x वेलोसिटी चाहिए बेटा इनिशियल वेलोसिटी चाहिए इनिशियल वेलोसिटी मतलब t बराबर 0 रख दो t बराबर 0 ये 0 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा 4 बच जाएगा t बराबर क्या अच्छा बचा बेटा 4 मीटर पर सेकंड है ना 4 मीटर पर सेकंड आगे भाई पहला पार्ट इसका है ना अब दूसरी चीज आपको क्या चाहिए बेटा एक्सेलरेशन अभी आपने सीखा एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा है ना बेटे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्या क्वेश्चन में वेलोसिटी था नहीं क्वेश्चन में क्या था डिस्टेंस था आपको वेलोसिटी मिला क्या यस मिला ना एक्स को एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिला अब इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा मिल जाएगा एक्सेलरेशन है ना तो क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है v बराबर आ चुका है आपके पास 6t स्क्वायर + 6t + 4
इसको डिफरेंशिएट करो ना तो dv / dt कितना हो जाएगा 6t स्क्वायर का क्या हो गया अपने 20 + 6 ऐसा हो गया तो इसी को तो हम एक्सेलरेशन कहते हैं 20 + 6 ठीक है दिस इज एक्सेलरेशन हमें कौन सा एक्सेलरेशन चाहिए बेटा इनिशियल चाहिए इनिशियल कब मिलता है t = 0 जब आप t = 0 रखोगे ये वाला कैंसिल हो जाएगा t = क्या बचेगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या समझा बेटा ये समझा हमने कि अगर हमें x दिया है एक बार डिफरेंशिएट करेंगे v मिलेगा और v से फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो x मिलेगा है ना इसका dx / dt करेंगे तो ये मिलेगा फिर dv / dt करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा ठीक है तो अगर वेलोसिटी दिया रहे तो भी हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं पोजीशन दिया रहे तो भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं फर्क बस इतना है पोजीशन से एक्सेलरेशन तक पहुंचने के लिए दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तक पहुंचने के लिए एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है बस और कुछ नहीं है ठीक है बेटे तो जब हम ये बेसिक मैथमेटिक्स फिनिश कर लेंगे यूनिट एंड डायमेंशन फिनिश कर लेंगे वेक्टर्स फिनिश कर लेंगे देन जब हम मोशन की शुरुआत करेंगे मोशन स्टार्ट करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे तो वहां पर बेटे हजारों क्वेश्चन इसके ऊपर होंगे इसके ऊपर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के ऊपर ठीक है तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो है ना आपको ये हर समय काम आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है ओके चलो ये हमने सीख लिया बेटा कि एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करना है क्या और कोई यूज हो सकता है यस बेटा इसके बहुत यूज है ना मैंने जैसा आपको बताया ना 11th से लेकर के 12th तक आपको बार-बार इसका यूज करना है डिफरेंशिएशन का ओके चलिए तो और क्या यूज कर सकते हैं देखते हैं इसको थर्ड आपने क्लास 10th में है ना क्लास 10th में पढ़ा होगा बेटा इलेक्ट्रिक करंट ठीक है तो करंट आपको पता है ओके तो वो करंट आप निकाल सकते हो टू फाइंड इलेक्ट्रिक करंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो समझो टू फाइंड इलेक्ट्रिक करंट सिंस आप सभी को पता है I बराबर क्या होता है बेटा Q upon T चार्ज फ्लो अपॉन टाइम अगर मान लो किसी टाइम इंटरवल डेल्टी में वहां से डेल Q चार्ज फ्लो कर रहा था तो इतना करंट वहां से पास हो रहा था है ना बेटे तो अगर मैंने इसमें कर दिया इसको बहुत छोटा यानी लिमिट लगा करके डेल्टी को कर दिया बहुत छोटा डेल्टी टेंस टू 0 होना मतलब बहुत छोटा हो जाना है ना बेटे ओके तो हमने डेल्टी को बहुत छोटा कर दिया ये डीटी बन गया इसी तरीके से चार्ज भी क्या हो जाएगा बेटा बहुत छोटा बन जाएगा तो आप क्या देख पा रहे हो बेटे i बराबर क्या हो गया dq / dt और t / dt तो आपको पता है डिफरेंशिएशन का सिंबल है इसका कर रहे हो q का क्या समझ में आया कि अगर चार्ज को टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया तो क्या मिल जाएगा करंट मिल जाएगा सो वी कैन से डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स करंट ठीक है इससे हमें क्या मिल जाता है बेटा करंट मिल जाता है आगे बात समझ में चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अगर मान लो मैंने बोला कि इफ चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर इज गिवन बाय ठीक है चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर इज गिवन बाय q बराबर 6t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 4 ठीक है इफ चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर इज गिवन बाय q बराबर 6t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 4 देन फाइंड करंट फ्लो एट t = 1 सेकंड
1 सेकंड पर आपको करंट फ्लो पता करना है। तो बेटे अभी अभी आपने सीखा q बराबर चुकी क्या है 6t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 4, इसको डिफरेंशिएट कर लो बेटे चार टाइम के साथ, dq/dt हो जाएगा 6 + 12 q हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, है ना। अभी सीखा हमने इसी को तो करंट कहा जाता है, i बराबर क्या हो गया 12t प्लस 10, है ना, 12t प्लस 10 ऐसा आ गया बच्चे। तो अब आपको कब चाहिए बेटा टाइम, 1 सेकंड पे चाहिए, तो रख लीजिए टाइम की वैल्यू 1, तो i बराबर क्या हो जाएगा बेटा 12 * 1 + 10 व्हिच इज 22 मीटर, सॉरी क्या होता है बेटा करंट का यूनिट एम्पीयर, याद होगा आप सभी को क्लास 10 में पढ़ा है आपने, और अभी भी क्लास 10 का जो है फिनिश किया है आपने, याद तो जरूर होगा, ठीक है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, करंट पता कर सकते हैं, सारी बात समझ में, क्या कर सकते हैं करंट पता कर सकते हैं। Let's take one more example. If q equal to 3t square plus 5t minus 10, then find current at t equal to 0 equals to 1 second, ठीक है, इसको कर लोगे बेटे आप, ठीक है, ट्राई करना चाहिए। तो आपने देखा हम इससे वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्या-क्या कर सकते हैं, और भी बहुत चीज है, बहुत सारी चीजें हैं, एक और दे देता हूं मैं आपको एग्जांपल, सॉरी नेक्स्ट अपना जो फोर्स, हम इससे फोर्स पता कर सकते हैं, फोर्स पता करने में भी इसको यूज कर सकते हैं, टू फाइंड फोर्स, टू फाइंड फोर्स कैसे करते हैं फोर्स का पता, आपको याद होगा बेटा अगर आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है, तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ था, है ना, याद करो, दिमाग पे जोर डालो, याद करने की कोशिश करो, तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ था उसमें क्या कहा था उन्होंने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, है ना, फोर्स को उन्होंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक है बेटे। यहां से फोर्स जो आता था चेंज इन मोमेंटम डेल्टी हो गया, और रेट का मतलब हमेशा क्या होता है टाइम से डिवीजन, मोमेंटम पता है ना आपको, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू मतलब पर यूनिट टाइम क्या देता था, फोर्स देता था। अब बेटे अगर इसमें हम इस लिमिट को लगा करके इस टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दें, है ना, तो ये क्या बन जाएगा dt बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा dp बन जाएगा, ठीक है बेटे। s बराबर क्या हो रहा है देखो dp/dt, p क्या है बेटा, p क्या है मोमेंटम है, तो वो क्या मीनिंग निकला इसका, मोमेंटम का डिफरेंशिएशन किसके साथ टाइम के साथ क्या देगा फोर्स देगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू time gives force, तो आपको क्या मिल जाता है force मिल जाता है, ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा पास, ठीक है। तो मान लो हमने एक example ले लिया, example if momentum of a body depends on time as p equals to 5t square plus 6t plus 7, then find force at
t equal to 0, t equals to 1, and t equals to 2 seconds. ठीक है, इस तरीके से है ना बेटा. जब भी मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूँ तुरंत पॉज करिए, सॉल्व करिए, देन आंसर देखिए. ठीक है, डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है. ठीक, तो बेटे आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि p गिवन है 5t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 7, डिफरेंशिएट करिए इसको टाइम के साथ, dp by dt हो गया बेटे 5 10t प्लस 6 है ना, इसी को क्या कहते हैं dp by dt ही क्या है हमारा, फोर्स है. सो फोर्स इक्वल्स टू क्या आ गया बेटे 10t प्लस 6 है ना, आ गया हमारा. अब बस हमें क्या करना है बेटा, इतना निकालना है कब इक्वल्स टू 0 पर, इक्वल्स टू 0 पर ये कैंसिल कर देगा बेटा 6 बचेगा, f बराबर क्या हो गया 6 न्यूटन हो गया. 1 सेकंड पर क्या हो जाएगा बेटा, t इक्वल्स टू 1 रखोगे 10 बन जाएगा, 10 प्लस 6 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा. अभी आपका फोर्स हो जाएगा 16 न्यूटन. 2 टाइम्स पे 2 सेकंड पे क्या हो जाएगा बेटा, 10 टू 20 प्लस 6 क्या हो जाएगा 26. फोर्स कितना हो जाएगा 26 न्यूटन है ना, 26 न्यूटन. हमारी बात समझ में? तो ऐसे अनगिनत चीजें हैं जो हम आने वाले समय में करने वाले हैं. ठीक है, इसके ऊपर डिफरेंशिएशन के ऊपर. ठीक है बेटे, डिफरेंशिएशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, तो आपको समझ में आया कि जो प्रैक्टिकली है ना वो डिफरेंशिएशन को कैसे यूज किया जाता है. ओके, मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस दे देता हूं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमसे डाउट सेशन में डिस्कशन कर सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय गिवन बाय x इक्वल्स टू फाइव टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6, देन फाइंड initial speed and initial acceleration. एक हो गया question number 2, if velocity of particle is given by v equals to 2t square plus 8t plus 20, then find acceleration at t equal to 0 second, t equal to 1 second, t equals to 2 second. ठीक है, next question number 3, if x equal to t cube plus 2t square plus 4t minus 20, then x क्या है इसमें, position है, position, then find velocity and acceleration, velocity and acceleration at t equals to 0 second, t equals to 1 second and t equals to 2 second. ठीक है, इस पे आपको निकालना है. कितने हो गए, 3 हो गए.
फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय p equals to t square plus 18t minus 9 then find force at t equal to 0 second and t equal to 1 second very easy question number 5 question number 5 if position of particle is given by root x equals to 2t plus 6 then find initial velocity and acceleration. Okay, question number 5. Then question number 6. ये क्या कहता है? अगर if charge flowing through a conductor is given by q equals to 10t square minus 5t plus 8 then find initial current through the conductor initial current through the conductor तो बेटे इन एग्जांपल्स को आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना है और मैं आपको बार-बार बोलता हूं कि आपको इस चीजों को जो है बहुत अच्छे से करने की जरूरत है देन ओनली जो है आपका क्या होगा मींस आगे जो आप पढ़ने वाले हो वो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा आसानी से आप उनको कर पाओगे इन सब चीजों को जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इनके कुछ एग्जांपल्स आपको डीसी में भी मिल जाएंगे उनसे भी लेकर के सॉल्व करिए ओके और आप डाउट सेशन में ज्यादा से ज्यादा आइए और जो भी मैं एग्जांपल्स देता हूं उनको आप वहां पर डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ ठीक है और वहां पर हम कुछ और भी ज्यादा क्वेश्चंस ले सकते हैं ठीक है या आपके पास कोई क्वेश्चंस हो आपके पास कोई क्वेरीज हो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं ठीक है इस प्रकार से डिफरेंशिएशन वाला जो पार्ट है वो यहां पर फिनिश होता है ठीक है डिफरेंशिएशन वाला पार्ट फिनिश होता है बेसिकली बेटे डिफरेंशिएशन का अगर फिजिकल मीनिंग कहा जाए इन सारे डिस्कशन से जो हमें समझ में आता है ना कि जब भी हमें किसी चीज का रेट निकालना होता है रेट ऑफ चेंज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं रेट ऑफ चेंज निकालना मतलब आप क्या कर रहे हो किसी चीज से डिवाइड कर रहे हो ना टाइम से जैसे डिवाइड कर रहे हो किसी चीज को डिवाइड करते हो तो वो क्या हो जाता है बेटा छोटा हो जाता है ना तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटा करना जब हमें किसी चीज को छोटा करना होता है तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं लाइक इस पेन को मुझे क्या करना है टुकड़े करने हैं छोटे-छोटे टुकड़े करने तो मैं क्या करूंगा इनको डिफरेंशिएट करूंगा मैं इसको जितनी बार डिफरेंशिएट करूंगा ये उतना छोटा चला जाएगा होता चला जाएगा एक बार जैसे आप देख रहे हो पोजीशन से एक्सेलरेशन निकालते वक्त हम क्या कर रहे थे पोजीशन को डिफरेंशिएट करते थे वेलोसिटी मिलता था वेलोसिटी को एक्सेलरेट डिफरेंशिएट करते थे एक्सेलरेशन मिलता था तो वेलोसिटी को एक्सेलरेशन सॉरी पोजीशन को जब आपने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो आपका टर्म काफी छोटा हो गया फिर उसको एक बार और डिफरेंशिएट किया टर्म आपको काफी छोटा हो गया ठीक है तो ये डिफरेंशिएशन क्या करता है छोटा कर देता है टुकड़े करता है उसका डिवाइड करता है आनी बात समझ में
अब इसकी ठीक उल्टा काम करने की अगर हमें कभी जरूरत पड़ता है कि हमें छोटा नहीं करना है, हमें टुकड़े नहीं करना है, हमें उसे जोड़ना है, हमें उसे बड़ा करना है, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो इसका एक बिल्कुल ही रिवर्स प्रोसेस है जिसका नाम है इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन मींस तोड़ना, इंटीग्रेशन मींस जोड़ना। ठीक है, जहां हमें छोटा करने की जरूरत होती है हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जब हमें बड़ा करने की जरूरत होती है हम उसको इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का जस्ट क्या है बेटा? अपोजिट है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ में आ गया है तो अपन क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सीखेंगे बेटा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय बच्चों।